हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आई होप कि आप अपने घर पे सेफ होंगे सुरक्षित होंगे फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो की ओर फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये बहुत ही सुंदर है इस इस वीडियो में जो हमने डिजाइन बनाना है बहुत ही सुंदर बहुत ही इजी सा डिजाइन है स्पेशली बिगिनर्स के लिए ठीक है फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप किसी भी स्वेटर्स में शॉल में या फिर बच्चों के स्वेटर्स में जेंट्स स्वेटर में आप किसी में भी इसे लगा सकते हो ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन है ये जब आप इसे बनाएंगे फ्रेंड्स तो और भी ज्यादा आपको इजी लगेगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये डिजाइन तो इसके लिए ये जो मैंने फंदे डाले हैं पूरे के पूरे ये मैंने टोटल डाले ट्वेंटी फाइव इस पे जो आपने कास्ट ऑन करना है वो करना है आपने सेवन के मल्टीपल्स में ठीक है मैम फ्रेंड्स सेवन के मल्टीपल्स में इसमें आपने कास्ट ऑन करना है और फोर मैंने प्लस फोर एस टीचीज है इसमें ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होना है ये पहला फंदा एज इट इज उठा लिया उसके बाद ये देखिए दो फंदे आपने इसमें सीधे ले लेने हैं इस तरह से दो सीधे उसके बाद फाइव उल्टी फंदे आ जाएंगे दो सीधे फिर फाइव उल्टे फंदे इसी तरह से आपने ये पूरी की पूरी सिलाई ले लेनी है नीट फाइव पाल टू इस तरह आएगी आपकी पूरी फर्स्ट रो ये रॉन्ग साइड पे लास्ट वाला स्टिच इस तरह इस तरह ले लिया हमने उल्टा करके अब आगे हम राइट साइड पे राइट साइड पे क्या करना है आपने पहला फंदा एज इट इज आपने उतार दिया है फिर धागा आगे की तरफ करके दो फंदे उल्टे ले लेने हैं और पांच फंदे सीधे ठीक है फ्रेंड्स दो उल्टे ले लिए हैं पांच सीधे सेम वैसे ही आगे रिपीट करना है दो उल्टे और पांच सीधे यानी कि पर्ल टू स्टिचेस देन निट फाइव स्टिचेस रिपीट इन द होल रो रॉन्ग साइड पे थर्ड रो पहला स्टिच एज इट इज आपने उठा दिया है उसके बाद सेम जैसे हमने फर्स्ट रो ली थी वैसे ही हमने ये थर्ड रो भी लेनी है आपके जो रोंग साइड पे जितने भी आपकी रोज होगी वो आपने सेम ही बनाने हैं रोंग साइड पे आपकी सारी की सारी रोज सेम होगी यानी कि टूनिट फाइव टू टूनिट फाइव पाल इस तरह करके ही पूरी रो होगी और रोंग साइड पे आपकी जितनी भी रोज होगी आपकी इसी तरह से आएगी यानी कि दो सीधे और पांच उल्टे अब आगे हम राइट साइड पे फोर्थ रो पहला स्टिच एज इट इज आपने उतार दिया है नेक्स्ट टू स्टिचेस आपने उल्टे बुंदे ने यानी कि पाल टू स्टिचेस देन उसके बाद थ्रेड को पीछे की तरफ को लेना है और यहां है। ये जो बीच में आपको ये थ्रेड दिख रहे हैं बीच में दिख रहे इधर इन थ्रेड के बीच में इस तरह आपने ये रख के नीडल रख के इस तरह आपने बुन देना है सीधा फंदा ये बुन दिया उसके बाद एक फंदा फिर से सीधा लेना है उसके बाद धागा आगे ही तरफ करके तीन फंदे एक साथ बुन देने हैं वो भी उल्टे ये देखिए थ्री फंदे इस तरह धागा से आगे को लेके ये इस तरह से बुंदे धागा पीछे करना है फिर नीट वन देन सेकेंड करना है आपने तो ये जो फंदा है ये फंदा इसके नीचे नॉट हियर बल्कि यहां पे, यहां पे इसके नीचे से इस तरह आपने बुनना है धागा आगे करना है देन पा, टू पाल ठीक है फिर से सेम रिपीट जो ये आपने रिपीट किया है यहाँ पे सेम रिपीट करना है फिर से धागा पीछे की ओर और फिर यहां पे बुन देना आपने इस तरह फिर सेकंड, फिर धागा आगे करके तीन फंदे एक साथ बुन देने आपने वो भी उल्टी साइड धागा आगे लेते हुए फिर धागा पीछे लिया एक सीधा बुन लिया फिर ये दूसरा फिर से सीधा बुन दिया फिर ये इस तरह ये छोड़ना नहीं है फिर धागा आगे करना है और इसको उल्टा बुन देना है एक और उल्टा बुनना है दो फिर से सेम वैसे ही बुनना है यहाँ पे बस यही होना है इस वाली सिलाई में इस तरह से ही बनानी है आपने फोर्थ सिलाई आपकी इस तरह से आएगी ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आएगा आपका ये डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बहुत ही इजी सा डिजाइन है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही सुंदर लगता है ये ठीक है फ्रेंड तो इसे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जरूर ट्राई कीजिएगा सिर्फ ये जो फोर रोज हमने बनाई है ये फोर की फोर रोज ही आपने इसमें रिपीट करनी है आई होप कि आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर ओके फ्रेंड्स okay, मिलते हैं फिर नई और अच्छी वीडियोस के साथ तब तक के लिए थैंक यू की वीडियो अच्छी और यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट